फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला तो एक जो अपडेट है वो है कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 सप्ताह में नियुक्ति दे सरकार, इसके बारे में हम देखेंगे। और ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या है वो खबर पूरी डिटेल जानेंगे। और डिटेल में जाऊँ उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस मिल पाएँ। तो आइए हम देख लेते हैं डिटेल में क्या हैं खबरें। पहली जो खबर है वो ओबीसी व गरीब सवर्ण को राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल कोटा। नीट में इसी सत्र से सेंट्रल कोटे में ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। एमबीबीएस कोर्स में ओबीसी की 1713 और पीजी कोर्स में 2500 सीटें बढ़ी। तो केंद्र सरकार ने वकालत की है ओबीसी को 27% आरक्षण की, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके निर्देश पर ही तय हुआ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, किसमें? एमबीबीएस की सीटों पर। क्या है खबर विस्तार से देखते हैं। लंबे इंतजार के बाद अब राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेज में भी सेंट्रल कोटे के तहत रिजर्व 15% सीटों पर ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर मतलब ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेज में यह व्यवस्था पहले से लागू है। अब तक राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजों में सेंट्रल कोटा के तहत सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के छात्रों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। इस घोषणा के बाद नीट यूजी की सभी 15% अखिल भारतीय सीटों पर यह आरक्षण भी लागू होगा। साथ ही नीट पीजी की 50% अखिल भारतीय सीटों पर यह आरक्षण लागू रहेगा। ओबीसी आरक्षण का फायदा नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलेगा। तो मतलब ये ओबीसी के उन कैंडिडेट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कि स्वास्थ्य सेवा में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, चिकित्सक बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनको अब 27% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा स्वास्थ्य विभाग मतलब एमबीबीएस की सीटों पर अगर वो एडमिशन लेते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। अगली जो खबर है वो है कि 2 हफ्ते के भीतर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति करें। क्या है खबर? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 3 याचिकाओं का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि राज्य शासन 2 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के पद पर नियुक्ति करे। तो हाई कोर्ट ने ये कहा है, निर्देश दिया है, 3 याचिकाएँ लगी हुई थी, तो राज्य शासन को निर्देश दिया है कि जिन्होंने याचिकाएं लगाई हैं उनको शिक्षक वर्ग 1 के पद पर नियुक्ति करे विद इन 2 वीक्स। क्या है मामला? प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता कौन कौन याचिकाकर्ता हैं? एक तो हैं सतना निवासी चंदन देवी, जबलपुर निवासी दीपशिखा लारिया और सिंगरौली निवासी पंकज कुमार नामदेव। इन्होंने याचिका लगाई थी और इनकी तरफ से वृंदावन तिवारी जी जो वकील हैं उन्होंने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के लिए आवेदन किया था, मेरिट के बावजूद इनकी उपेक्षा की गई। क्यों उपेक्षा की गई? नियुक्ति में बाधा पैदा करते हुए कहा गया कि इन तीनों ने अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड किया था। तब ये अतिथि शिक्षक थे और जॉब करते हुए इन्होंने बीएड किया था, अतः उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इस संबंध में 23 जून 2020 का सरकार का सर्कुलर बंधनकारी है। वृंदावन तिवारी ने साफ किया कि ये उक्त आदेश अनुचित था। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य शासन ने 8 अप्रैल 2021 को एक नया सर्कुलर जारी कर दिया, मतलब अभी अप्रैल में जो सर्कुलर जारी किया है जिसमें ऐसे अतिथि शिक्षकों को मान्य किया है उन्होंने, तो जो पुराना जो इनको रोका गया था 3 लोगों को, अब
उनको भी उसी में शामिल किया जाए। उसके तहत अतिथि शिक्षक रहते हुए बीएड करने वाले भी उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक के लिए पात्र मान लिए गए हैं। सवाल उठता है कि जब उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक के लिए आवेदन करने वाले अन्य कुछ उम्मीदवार चयनित कर लिए गए तो याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव क्यों? तो ठीक है, 2021 अप्रैल में ये सर्कुलर आ गया था और इनको भी शामिल किया गया है, तो जो दो तीन लोग जो रह गए थे उनको भी अब शामिल कर लिया गया है। अब जैसे कि सरकार हाई कोर्ट ने कहा है, निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर इनकी नियुक्ति करें, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर दो ऐसा है तो अच्छा है, 10 तारीख का जो फैसला आना है शायद उसमें भी कुछ इससे मदद मिले। कुछ इसी तरह का आदेश या निर्देश हाई कोर्ट सरकार को दे दे कि भाई जो भी प्रोसेस है वो 2 हफ्ते के भीतर करें, इस तरह का निर्देश दे दे तो सभी का काम बन जाएगा। देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। बाकी आपसे फिर से अपील करूंगा मैं कि 18 अगस्त को जो प्रोग्राम होने वाला है भोपाल में, उसमें आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है, नौकरी आपको भी मिलना है। सभी मिलजुल कर काम करेंगे, इसमें प्रयास करेंगे 18 अगस्त को, तो सभी को ही फ़ायदा होगा, लाभ होगा। जो लोग ऊपर संघर्ष कर रहे हैं इनके लिए, उनकी मदद करें कम से कम। आप ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है ना, सारी व्यवस्थाएं संगठन करेगा, लेकिन आपको शामिल होना है, सिर्फ इतना सा काम है। आप शामिल होंगे, उपस्थिति देंगे, उसमें भी काफ़ी कुछ आप मदद करेंगे, सभी की और स्वयं की भी। तो चलिए, मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।